हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन की यूनिट फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन का पार्ट सेकंड। और इस पार्ट सेकंड में हम लोग 31st से लेकर 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुका हूं और पार्ट फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आपके MCQs को कवर करा दिया था। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट न देखा हो तो वह बीए फोर्थ सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट के MCQs क्वेश्चंस को देख सकता है। दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में सबसे पहले हम लोग 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 31st क्वेश्चन है, हु इज़ द मोस्ट रियूनेबल ट्रांसलेटर ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। यानी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में कौन रियूनेबल ट्रांसलेटर कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट आंसर है 31st का, ऑप्शन नंबर है डी, टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट के रियूनेबल ट्रांसलेटर कहलाते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 32। फॉर विच पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए इज लिटरल ट्रांसलेशन यूज्ड। जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है उसका यूज किया जाता है। 32 का जो करेक्ट आंसर है वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, व्हाट इज रेंडरिंग ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर कंसिडरिंग द वार्मिंग। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लिटरल ट्रांसलेशन होगा। अब बात करते हैं 34 क्वेश्चन की, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन अदर देन इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन। यानी लिटरेरी ट्रांसलेशन के कार्य क्या होते हैं अदर देन अपेक्षाकृत इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन के। 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्थेटिक फंक्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। और 35 क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, किस प्रकार का जो ट्रांसलेशन होता है वायोलेट, वो भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है सम स्टैंडर्ड रूल, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स को वायोलेट्स कर देता है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्री ट्रांसलेशन जो होता है वो स्टैंडर्ड रूल को वायोलेट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट अनदर टर्म इज यूज्ड, कौन सा दूसरा जो शब्द है वो यूज किया जाता है फॉर लिटरल ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन के लिए। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट ट्रांसलेशन जो होता है वो लिटरल ट्रांसलेशन के लिए दूसरे शब्द के रूप में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं 37 की, व्हाट टेक्निक इज यूज्ड, किस प्रकार की टेक्निक का यूज किया जाता है इन मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन के लिए। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस ऑफ वर्ड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन के लिए एडवांटेज, लाभ क्या होता है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। यानी ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन सी भी है, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, किस प्रकार का जो ट्रांसलेशन होता है
इज क्रिएटिव ट्रांसलेशन, वो क्रिएटिव ट्रांसलेशन कहलाता है, यानी रचनात्मक ट्रांसलेशन कहलाता है। 39 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्री ट्रांसलेशन जो होता है क्रिएटिव ट्रांसलेशन का एक प्रकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 40, विच ट्रांसलेशन रिटेन ओरिजिनेलिटी, कौन सा जो ट्रांसलेशन है रिटेन ओरिजिनेलिटी, अपनी ओरिजिनेलिटी को रिटेन करके रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिटरल ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, व्हाई इज ट्रांसलेशन सिग्निफिकेंट, क्यों ट्रांसलेशन महत्वपूर्ण होता है इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, इस प्रेजेंट वर्ल्ड में यानी वर्तमान संसार में। 41 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बोथ है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, 42 में है व्हाई इज ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट, क्यों ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है फॉर बिजनेस करने के लिए इन इंडिया। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ, यानी इसमें भी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है बोथ वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 43 की, 43 में है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन का महत्व सिग्निफिकेंस क्या है इन प्रिजर्विंग एंशियंट इंडियन हेरिटेज, एंशियंट इंडियन हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए यानी सुरक्षित रखने के लिए। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी बोथ, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसमें भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी बोथ आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, 44 में है हाउ डज ट्रांसलेशन प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च, किस प्रकार जो ट्रांसलेशंस होते हैं वो प्रमोट करते हैं साइंटिफिक रिसर्च को इन मल्टीलिंगुअल इंडिया, मल्टीलिंगुअल इंडिया में। तो 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ, यानी ऑप्शन ए और बी इस इनमें भी सही हैं। अब बात करते हैं 45 की, और 45 में जो क्वेश्चन है विच ट्रांसलेशन फोकसेस एंड कंपेयिंग द इंटेंडेड रॉन्ग सोर्स टेक्स्ट, 45 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ है, यानी ए और बी इसमें भी सही है, यानी लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ इज द करेक्ट आंसर। 46 की बात करते हैं विच ट्रांसलेशन इज सम सुइटेबल, कौन सा ट्रांसलेशन कुछ सुइटेबल यानी उपयुक्त होता है फॉर ट्रांसलेटिंग आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन के लिए। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ए और बी इसमें भी सही हैं, यानी लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 47 की, 47 में है इन विच प्रोसेस डू वी एक्सचेंज आउट थॉट्स, किस प्रोसेस के अंतर्गत हम थॉट्स को, विचारों को एक्सचेंज कर सकते हैं एंड आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं प्रूव डेप्रिवियंट लैंग्वेज। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसलेशन। 48 देखते हैं इन रोम, रोम में मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन वर्क्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन वर्क्स होते हैं हैड बीन डन बाई, वो किए गए किसके द्वारा किए गए। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिसेरो एंड होरेस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, व्हाट इज़ द अदर टर्म, कौन सा दूसरा टर्म है शब्द है इज यूज्ड, जो यूज किया गया फॉर फ्री ट्रांसलेशन,
प्री ट्रांसलेशन के लिए यूज किया गया। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए एडप्टेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, और क्वेश्चन नंबर 50 जो है, व्हाट एलिमेंट प्लेज, कौन सा तत्व ऐसा है प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कल्चर, जो कल्चर होता है वो ट्रांसलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 51 देखते हैं, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, किस प्रकार का ट्रांसलेशन इज बेस्ट, सबसे अच्छा होता है फॉर हिस्टोरिकल वर्क, ऐतिहासिक कार्यों के लिए। 51 का करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिटरल ट्रांसलेशन, जो होता है हिस्टोरिकल वर्क के लिए बेस्ट ट्रांसलेशन टाइप होता है। अब बात करते हैं 52 की, व्हेन डिड ट्रांसलेशन स्टार्ट, कब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब सबसे पहली बार ट्रांसलेशन कब स्टार्ट हुआ, यानी व्हेन आया है तो जगह का नाम पूछा है कब स्टार्ट हुआ। तो 52 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, फ्रॉम विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से वॉज द वर्ड ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेट वर्ड है, ये शब्द है, इज डिराइव्ड, लिया गया है। 53 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लैटिन, जो लैटिन शब्द है वो ट्रांसलेट ड्राइव किया गया है लैटिन शब्द से। 54 की बात करते हैं, हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेंडेल, इनका पूरा नाम विलियम टेंडेल था। 55 की बात करते हैं, व्हाट लेड द फाउंडेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की फाउंडेशन को किसने रखा इन इंडिया, भारत में। 55 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एपिक्स, यानी जो गाथाएं हैं एपिक्स हैं, उन्होंने भारत में ट्रांसलेशन ऑफ फाउंडेशन को रखा था। क्वेश्चन नंबर 56, विच शुरू केवी पोयम वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन द मेसोपोटामियन एरा। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं 57 की, 57 नंबर में है, इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में डिड द बुद्धिस्ट ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट, कि बुद्धिस्ट ट्रांसलेटेड जो है उसको इंडियन टेक्स्ट किया गया। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चाइनीज। 58, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का एडवांटेज यानी लाभ क्या होता है। तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑल हो जाएगा, यानी ए बी सही है, बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 59 की, व्हाट फ्रेज इज यूज्ड, कौन सा फ्रेज का यूज किया गया फॉर वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड के ट्रांसलेशन के लिए। तो 59 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वो है मेटा फ्रेज। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन का, और आखिरी क्वेश्चन है, विच टेक्स्ट वर फिनिश ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस लैंग्वेज। तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिलीजियस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके 31st से लेकर 60 क्वेश्चन इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन से। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।